यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा है, मेरे तो हाथ फ्रीज हो गया। आर यू रेडी टू गो? स्नेल को क्या बोलते गढ़वाली में? किर्थुरु। लाइक अ वाव। मैं नहीं सोई तो कोई नहीं सोएगा। ठंडी है स्टिल, देखो मेरे को नहीं लगी हॉट। फाइव स्टार का बंदर भी बने हुए। वेलकम टू माई व्लॉगिंग चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का जो व्लॉग है वो वन ऑफ द स्पेशल व्लॉग फॉर मी, क्योंकि आज का जो व्लॉग है मेरा जो शूट है पहला फाइव स्टार शूट है गाइज। तो गेस करो कॉमेंट्स में कौन सा होटल है, देखते हैं कौन कौन गेस्ट सही करता है। आई एम सुपर एक्साइटेड, रीजन क्योंकि पहली बात तो ये फाइव स्टार का मेरा पहला शूट, दूसरा रीज़न ये है कि मैं वहाँ पर स्टे करने वाली हूँ फैमिली के साथ। आप लोगों को पता ही है मैं कभी भी स्टे प्रेफर नहीं करती हूँ अगर मैं कभी किसी शूट पे जा रही हूँ, बट एंड एक और बड़ी बात है, मेरे साथ मेरी मम्मा भी जा रही है फर्स्ट टाइम। गाइज आई एम रेडी, ये है अभी का OTT आउटफिट ऑफ द डे, आप देख सकते हो। अभी मैंने नॉर्मल फॉर्मल पहना है, तो मैं अभी करा रही हूँ अपने कर्ल, लूज कर्ल्स करा रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि अपने मैगी कर्ल्स करा लूँ, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मेरे को कल तक अलग अलग हेयर स्टाइल करने, फिर वो एक ही रहेगा, मेरे को वॉश करने पड़ेंगे, तो मैं अभी कर रही हूँ लूज कर्ल्स। गाइस आई एम रेडी, मेरे ये कर्ल्स हो चुके हैं, मैंने लूज कर्ल्स कराए हैं, देख सकते हो। ब्लेजर ऑल सेट, अभी बस मैं निकल रही हूँ बिकॉज 11 बज चुके हैं और हमें 12 बजे वहाँ पहुँचना है, तो मैं जल्दी से चलती हूँ। एंड आप लोग बने रहिए, आपको सारा अपडेट मिलेगा एंड आप लोग इस व्लॉग में बहुत मजे करने वाले हो। मैं आ गई हूँ मसूरी रेडिसन में, यहाँ पर आज मेरा शूट है एंड अभी इनकी गाड़ी मेरे को पिक करने आई है। यहाँ पर ड्रॉप कर दिया एंड यहाँ पर मेरी चल रही है वेलकम की तैयारी, आप देख सकते हो सामने पूजा की थाली। ये होता है ना कभी खुशी कभी गम में, भैया बहुत ज़्यादा ठंडा है, मेरे तो हाथ फ्रीज हो गया। मेरे को लगा था यार देहरादून में धूप निकल रही है, यहाँ भी धूप होगी। यहाँ पर मेरा बहुत ही अच्छे से वेलकम हुआ, मेरे लोग सामने बैठे हो रहा है हमारा चिकन इधर। अब हम जा रहे हैं अपने रूम में, अब हम आपको कराएंगे अपने रूम का टूर। और ये है अमन, इसको तो कोई जानता कैसे नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। दीदी लोगों का रूम, हमें रूम दिखा दो भाई, अपना रूम टूर करने आए हम। ओह ये है इनका रूम, अरे वाह बैल्कनी भी है भाई आप लोगों के पास तो बढ़िया। फिर मेरे पास भी, आप मेरा रूम देख के आ गए, कमी लग रही है तो ये कार्डियो कर रही हूँ, इतनी पतली लग जाऊंगी मैं फोटो में। हमारी बालकनी के रूम का व्यू, बहुत गंदी हवा चल रही है। इसमें चिप्स वगैरह रखे हुए हैं, कॉफी खुद बना सकते हो, नीचे चॉकलेट्स है जो मैं उड़ाने में ली हूँ, अभी कोल्ड ड्रिंक भी है और ये खुश हो चुके हैं सबके साथ रूम में। उधर ये है मेरा रूम, अमन रूम टूर करवा रहा है। बंदर देख कैसे खा रहा है, यहाँ देखो बंदर, फाइव स्टार में बंदर भी मजे कर रहे हैं। ये है यहाँ का व्यू कैफे मेरे रूम, ये है मेरा रूम, ये है अंदर वॉशरूम, वॉशरूम के साथ रेडी होने के लिए मिरर। लाइव म्यूजिक सुनते सुनते हमने करा अपना लंच, लंच में बुफे सिस्टम था और बुफे में काफ़ी कुछ हमारे पास ऑप्शन हैं, वैसे भी हम सब वेजिटेरियन हैं। लंच के बाद वहाँ मेरा शूट स्टार्ट और वापस खाना, तो फिर ये मेरे को थोड़ा टेस्ट तो करना ही पड़ा, बट ये था शूट के लिए। व्यू देखो गाइज, नॉर्मल है।
स्पेशली अच्छा सा डिनर आपको फैमिली के साथ करना हो यहाँ पे कर सकते हो। एंड यहाँ से व्यू देखो जरा, ये व्यू मिलेगा आपको। बहुत सारे शॉट्स ऐसे थे जहाँ पर मेरे को अकेला नहीं शूट करना था, कोई चाहिए था साथ में, तो बहुत अच्छी कंपनी मुझे इनसे मिल गई। और ये है व्यू, ब्यूटीफुल लाइक अ वाओ। यह है इनका डाइनिंग एरिया, यहाँ पर मोस्टली बुफे होता है, बट अगर आपको कुछ और अलग से स्पेशली बनवाना है तो वो भी आप यहाँ पर बनवा सकते हो। जस्ट मैं अभी रूम में आई हूँ, 4:30 बज गए यार, बहुत थक गई हूँ। अभी फिर से शूट है नीचे बाहर का, मुझे आउटफिट चेंज करना है, अभी वन पीस पहनना है। आई एम रेडी, यू वेयरिंग माई फेवरेट ब्लैक ड्रेस। ये मैंडेटरी कॉकटेल ग्लास है, पूरे वर्ल्ड ग्लास में कॉकटेल ग्लास, कॉकटेल ग्लास। और ये सेकंड वाला, दिस इज ओल्ड फैशन व्हिस्की एंड दिस इज लाइक ब्रांडी बलून। ये जो भी बन रहा है विदाउट अल्कोहल बन रहा है, बिकॉज़ सब शूट करने लगी थी। फाइनली मेरे को थोड़ा सा रेस्ट मिला, मैं बैठ गई और ये आ गई है मेरी मॉकटेल, जो कि टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बट कुछ ही देर के लिए मैं रेस्ट कर रही थी, वापस शूट करना है यार। Guys, it's time for bonfire and I'm ready. अभी ये bonfire का पूरा नीचे सेटअप रेडी है। अभी मैंने पहना है टॉप एंड ब्लैक जीन्स, बिकॉज शॉर्ट्स का प्लान था, नीचे से डेनिम शॉर्ट्स मैंने पहनी है, बाहर इतना ठंडा है, मेरी कुल्फी जम गई, बट मैंने थोड़ी सी लेट कर दी, मैं थोड़ा रेस्ट करी थी, मैं बहुत थक चुकी। बैक टू बैक शूट करना इज नॉट ईजी एट ऑल, मॉर्निंग से हम लोग शूट पे शूट कर रहे हैं। दिस इज द आउटफिट फॉर bonfire। यहाँ पर मेरी फैमिली के मज़े ही मज़े, बट मैंने कहा ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई क्योंकि मैं पूरे टाइम तो बिज़ी हो रखी थी अपने शूट में। यहाँ पर अगर ये बॉनफायर ना होती तो मेरा क्या होता यार, इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है यहाँ पर। थैंक गॉड मैंने शॉर्ट्स या वन पीस नहीं पहना। अगर आपको ये सारी वीडियोज़ देखनी है तो यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम sakshijoshi25। बहुत ज़्यादा ठंड होती हुई यहाँ पे स्टिल हम लोग शूट कर रहे हैं एंड 9 बज गए हैं, नींद इतनी ज़्यादा आ रही है। आर यू रेडी टू गो? फाइनली डिनर टाइम, और सबसे पहले मैंने आ गई अपनी फेवरेट पीना कोलाडा, उसके बाद हमने करा लंच फैमिली के साथ थोड़ी सी गप्पे शप्पे, एंड मैं जाके उसके बाद सो गई थी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह जल्दी उठना था, ट्रैक पे जाना है, सुबह मॉर्निंग शूट है। तो गुड नाइट एवरीवन, मिलती हूँ कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी। एंड सुबह उठते साथ ही ये प्यारा सा व्यू मैंने यहाँ पर इन्जॉय करा। 10 मिनट्स के लिए मैं बाहर ही अपनी बेल्कनी में खड़ी हो गई थी, चाय पी यहाँ पर क्योंकि इस व्यू के साथ, और यहाँ पर मुझे दिखे ये कुछ बंदर सुबह सुबह, और डर के मारे फिर मैं अंदर ही भाग गई थी। सुबह सुबह 7 बजे इसने मुझे उठा दिया शूट के लिए, हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। देखो सुबह सुबह 4 बजे उठ गया था, तो मैंने घर वालों को भी उठा दिया, सब लोग चलो सब मेरे साथ जाओगे, मैं नहीं सोई तो कोई नहीं सोएगा। तो हमें लेके जा रहे हैं साइकोलॉजी ट्रैक पे, और यहाँ से ट्रैक कितना है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। यहाँ से होता है स्टार्ट, खुल चुका है। गुड मॉर्निंग, और हमारी लड़कियां भी वॉक पर निकल चुकी है, साल भर की वॉक इन्होंने आज ही करनी है क्योंकि वैसे तो वॉक पे जाते नहीं। मैं किस चलती हूँ? मैं सब मटक मटक के चलती हूँ, ऐसे नहीं चलती है ये लड़कों की तरह। इस जंगल में लकड़ी नहीं मिल रही है, बताओ। ये तो सूखे सूखे पेड़। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो लोग गाँव से है, धारे का पानी कहाँ से निकलता है? आप लोग बताओ कहाँ से निकलता है कॉमेंट में। सर हाँ, सामने से वहाँ सामने वाले में गए, ट्रक स्टार्ट कर रहे थे, जंप करा, हमारे सामने आया, हो गाड़ी में घुस गए। देहरादून में भी आजकल बहुत गुलदार घूम रहे हैं, इतना ज्यादा। स्नेल को क्या बोलते गढ़वाली में? किरथुरु। किरथुरु
पर शूट इतना बढ़िया हो सकता है नीचे, नीचे रहा है यहाँ पर। वाओ देखो नीचे की प्रॉपर्टी। तो गाइस हमारा हो चुका है योगा कंप्लीट। अभी हम लोग जाने वाले हैं गेम जोन में, वहां पे एक्टिविटी एरिया है, कुछ गेम्स है, कुछ गेम्स खेलते हुए हमें शॉट्स लेने। प्लीज़ मुझे जज मत करना, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी यार। सुबह पहले इतना सारा वॉक करा, फिर वापस आई, फिर योगा शूट, अब जाकर मुझे खाना मिल रहा है। तो मैंने भी फिर कोई मौका छोड़ा नहीं, जितना कुछ बना था बुफे में सारा अपनी प्लेट में भर दिया। मुझे देख कर शायद ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ही कम खाना खाती हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत सारा खाती हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। अरे यार मैं कुछ तो बोल रही हूँ, हाँ मैं फ्रूट्स लेना भूल गई। फटाफट से अपनी प्लेट फ्रूट से भर देती हूँ। अब मेरी प्लेट भर चुकी है। अरे हाँ अभी जूस भी तो रहता है। प्लेट तो मैंने भर दी है, कुछ रह गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अब मैं चलती हूँ फटाफट से खाने पर और टूट पड़ती हूँ इससे पहले ये ठंडा हो जाए। गाइस अब आ गए हम इनके एक्टिविटी एरिया में। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स है, यहाँ पर देखकर दिल खुश हो गया, दिल तो बच्चा है जी। फटाफट से मैं काफ़ी सारे गेम्स खेलने लगी और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था यार यहाँ पे। आज का शूट होता है यहीं खत्म और अब हम निकल रहे हैं वापस देहरादून। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं जल्दी से जाओ मेरे पुराने व्लॉग्स देखो। एंड डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसमें से आपको कुछ भी खाना हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताना, वो आपके घर पर भिजवा दिया जाएगा।